सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024 आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आपका ये साल काफी शुभ मंगल हो। सो वीडियो गेम शुरुआत कर लेते हैं गॉड लाइक के साथ। सो रिसेंटली सरदार जी वाइटी जब लाइव होते हैं तो यहाँ पर वो बात करते हैं गॉड लाइक के बारे में। जब उनको एक बंदा ये बोलता है कि अब जैसे सोल कंप्लीटली लाइनअप अपनी चेंज कर दी है, वैसे गॉड लाइक अपनी लाइनअप चेंज नहीं कर सकती। एंड ये पॉइंट यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है उसके बारे में सरदार जी वाइटी यहाँ पर बात करते हैं। ओवरऑल वो क्या कुछ कहते हैं वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। देखो तो तुम कहना चाहते हो कि सोल जो है वो अपने लाइनअप बदल सकती है, बट जो गॉडल है वो नहीं बदल सकती। एक्चुअली चेंज द लाइनअप, जब भी उनको परफॉर्मेंस चाहिए वो अपने लाइनअप को और बेटर और बेटर और बेटर बनाते गए हैं और वो चीज़ पास्ट में भी हुई है अभी भी हो रही है। गॉड ने सीन क्या है फिलहाल कि गॉड अपने पुराने प्लेयर्स को रिटेन करती है, एक या दो प्लेयर्स को, और उनके अराउंड एक या दो नए प्लेयर्स ऐड करती है और फिर एक टीम बनाती है। अगर भाई सोल चेंजेस करेगी फिर भी सपोर्ट आएगा, बट गॉडल अगर पुराने सबको हटा देगी तो फैंस उनके साथ जाएंगे। डू यू एग्री? दैट्स व्हाट आई वांट, बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंस बाबा, दैट्स द डिफरेंस। सोल का जो नाम है वो है लेगेसी वाला, और गॉडल के जो फैंस है वो, अगर तुम एक्चुअल देखो तो कौन से फैंस है, वो TSM एंटिटी के फैंस है मेरे भाई, फिर वहां से गॉडल हुआ तो वो वहां के फैंस है। बट जिस तरीके से वो न्यू प्लेयर्स लगातार इन हो रहे हैं और अगर वो न्यू प्लेयर्स स्टिक करते हैं तो फिर गॉडल का भी वो लेगेसी वाला स्पेस आना शुरू हो जाए। वही वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर स्पीरो बात करते हुए नजर आ जाते हैं डाउनफॉल के बारे में। एंड बेसिकली वो यहाँ पर बात करते हैं कि जोनाथन जैसे प्लेयर का डाउनफॉल कब से आया है एंड उसका मेन रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हुए नजर आ जाते हैं। एम असिस्ट ऑफ होने के बाद जोनी का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। स्टार्ट चेक करो, इट्स नॉट अबाउट एम असिस्ट ऑफ होने के बाद ब्रो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कैसे बोलूं मैं, DBS मेटा आने के बाद परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। क्योंकि भाई देखो मैं तुम्हें सच बताऊं ना, मैंने अभी तक नोटिस करा है, जितना मैंने समझा है, परखा है, देखा है, जाना है, DBS ने एनेबल कर दिया है कि मेरे जैसा प्लेयर भी जाके एक शॉट में किसी भी प्रो प्लेयर को मार सकता है, ठीक है, समझ रहे हो। बट जब AR होती थी ना, और AR में उनका स्किल सेट होता था, वो प्रैक्टिस करते थे, दे जिगल शॉट दो, फरारी पीक देके वापस कवर में जाना, प्लेयर्स को नॉक करना, वो AR या SMG वाला जो एरा था ना उसमें स्किल लगता था, उसमें मैं नहीं मार सकता था 1v1 में, 10% मारता 100 में से, मतलब उनके 10 फ्रैग्स होते और मेरा एक फ्रैग होता, वो अलग बात थी, वो समझना पड़ेगा तुमको। अभी DBS में क्या है कि भाई मैं अगर खेल रहा हूँ और तुम मेरे सामने आ गए, आई विल फिनिश यू 50% ऑफ द टाइम्स। तो या तो वो जो स्किल लेवल है ना वो थोड़ा सा हुआ है, उसकी वजह से सबको प्रॉब्लम हुई है, इवन गॉब्लिन को प्रॉब्लम हुई है यार। बाकी वीडियो में आगे बढ़े तो हेक्टर यहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं एंटी चीज सिस्टम के बारे में। गाइस तुम्हें नहीं लगता एंटी चीज सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है बीचमाए में, क्योंकि सुबह से 3 बार उनको क्लासिक में हैकर मार चुका है, कॉम्पी में भी सुकून नहीं एंड क्लासिक में भी सुकून नहीं। अवेल इसके नीचे अगर हम बाकी सारे लोगों के रिप्लाईज की बात करें तो कुछ खास पॉजिटिव रिप्लाई में देखने को नहीं मिला, बिकॉज कहीं ना कहीं सबको पता है कि नेक्स्ट ऑफिशियल में भी हमें चीटर्स देखने को मिलेंगे। बट खैर वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर कुल बात करते हुए नजर आ जाते हैं गॉड लाइक के बारे में एंड वो बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हेट टू क्रॉन्टन एंड गॉडल इज फॉर नो रीजन, आई थिंक ही इज डूइंग गुड वर्क फॉर ईस्पोर्ट्स ओवरऑल एंड इन्वेस्टिंग मनी टू सस्टेन ईस्पोर्ट्स इन इंडिया। एंड ऋषि भाई भी यहां पर बोलते हैं कि अब लोग भूल चुके हैं कि क्रॉन्टन एक क्रिएटर था जिसने 2 मिलियन की ऑडियंस बनाई है तब जब गॉड लाइक इतना फेमस भी नहीं था, एंड क्रॉन्टन काफी वाइटल पार्ट थे अर्ली पबजी मोबाइल डेज के एंड उसके कल्चर के। एंड कुल भाई भी बोलते हैं एब्सोल्युटली ड्यूड प्लेड अ रोल फ्रॉम द बिगनिंग, दिस फैनबॉयज्म हेट व्हाइट वॉश एवरी गुड थिंग पीपल डिड ओवरऑल। बट इसके नीचे कुछ बंदे ये बोलते हैं जिसका कुल भाई भी रिप्लाई देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यार ट्रॉल और हेट में डिफरेंस है, एंड सेकंडली अगर कम्युनिटी के अंदर गॉडल वर्सेस गॉडल वर्सेस गॉडल वर्सेस गॉडल होने वाला है तो फिर यार वो ईस्पोर्ट्स किस बात का। एंड कुल भाई बोलते हैं व्हाट डू मीन बाय गॉडल वर्सेस गॉडल, क्योंकि डिफरेंट कंपनी के अंदर डिफरेंट टीम्स होंगी, क्रॉन्टन बस सिंपली एक इन्वेस्टर है उनके अंदर, एंड ऐसी और भी काफी सारी और गए जिनकी मल्टीपल लाइनअप है, तो सिर्फ यार क्रॉन्टन के अगेंस्ट ही लोग क्यों बोल रहे हैं। एंड इसके नीचे वही सेम बंदा एक वीडियो की लिंक भेजता है जिसमें क्रॉन्टन बात कर रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में एक दो और उनकी तरफ से देखने को मिल जाएगी। एंड इसके बाद कुल भाई बोलते हैं अरे तो डिफरेंस क्या है, बाकी ऑर्ड्स का भी तो ऐसा ही है, तुम सिर्फ क्रॉन्टन के पीछे क्यों पड़े हो इस बात पे। एंड वेल आपका कुल भाई के पॉइंट के ऊपर क्या कहना है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं अभी चलता हूं, मिलता हूं आप सभी वीडियो में, और नया साल यार तुम सभी को मुबारक हो। साइनिंग ऑफ।